Hello everyone, this is Saloni, an IELTS trainer and a motivational speaker. Welcome back to my channel, Sacred English Academy. Now we have got the next tense, that is past perfect continuous tense. So let's see what are the rules for the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is a tense that is used to describe an action that happened in the past and was continuous in the past till the period of past time. That means koi bhi aisi cheez jo past mein hi shuru hui, past mein hi chal rahi thi aur past mein hi khatam ho gayi. So you can understand these kind of sentences by their endings raha tha, rahi thi and rahe the plus time. It means agar koi cheez, अगर कोई सेंटेंस जो रहा था के साथ एंड हो रहा है और प्लस उसके साथ टाइमिंग आ रहा है सो वो वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं. वन मोर थिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू जो एक्चुअली है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यू टेंस. हम परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूस टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं. फ्रॉम द परफेक्ट टेंस वी हैव पिक्ड अप हैड and from the continuous tense we have picked up verb first form plus ing. हमने perfect से had pick कर लिया, continuous tense से हमने verb की first form plus ing pick कर लिया और past perfect continuous tense बन गया हमारा इन दोनों को mix करके. So जैसे मैं बता चुकी हूँ कि with these endings you can recognize कि कौन सा tense लगना है. अब मैं आपको और detail में समझाती हूँ that how you can judge कि ये tense मुझे कहाँ apply करना है. You can see, मैंने red marker से line draw किया है. This is present time, आज का time. That is future time, कल का time या आने वाले दिनों का time. And this is past time. अगर कोई चीज़ past में यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही थी, past तक चल रही थी, but present में नहीं पहुँची. That something that was continuous, कोई चीज़ जो चल रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक. उस चीज को बताने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के रूल्स क्या हैं विद ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. वी हैव टू यूज हैड बीन, हैड बीन एंड वी ऑल्सो हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. दीज आर द टू मेजर रूल्स. इसके साथ साथ जो दो और चीजें हैं दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल इज सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर. सिंस इज यूज फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं उस टाइम पे यू विल यूज सिंस. अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो यू कैन सी सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1947. ऐसी कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको टाइम फिक्स्ड बताया जाता है यू हैव टू यूज सिंस. फॉर. फॉर इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम. जब आप कोई पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, कोई टाइम पीरियड बताते हैं, जैसे कि यू कैन से फॉर वन ईयर, फॉर टू वीक्स, फॉर थ्री डेज, ऐसी चीज़ों के लिए यू विल यूज फॉर. एंड वेरी सून मैं आपको नेक्स्ट सिंस ऑफ फॉर की वीडियोज इमीडिएटली इसके साथ ही रिलीज करूंगी. यू कैन डीपली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि आपको कौन सी चीज कहाँ लगानी है. ऑलराइट, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स सी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कैसे वर्कआउट करता है. एग्जांपल इज मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था. सो यू कैन सी वी हैव गॉट रहा था, हमारे पास रहा था आ गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स. वी हैव गॉट सोमवार ऑल्सो, दैट मीन्स वी हैव गॉट द टाइम ऑल्सो. हमारे पास टाइम भी आ गया है, हमारे पास रहा था भी आ गया है. सो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं आई नो कि मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लगाना है, उसके रूल्स लगाने हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स आई हैव रिटन ऑलरेडी मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. मोहन यहाँ से पिक किया, हैड बीन अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि मोहन एक लड़का है और ही के साथ हम लोग हैड बीन लगाते हैं. सो आई हैव यूज हैड बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. गो इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इट मेक्स गोइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. स्कूल इज ऑब्जेक्ट एंड सिंस मंडे इज द टाइम. सिंस मंडे इज द टाइम. और इस टाइम को यू कैन यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, इन द एंड ऑल्सो. यहाँ पे मैंने इसको लगाया है एंड पे. यू कैन सी मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे.
अब मैं इसको ही आपको आगे लगा के बताती हूँ. सिंस मंडे मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल. मंडे से मोहन स्कूल जा रहा है. सिंस मंडे मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल. मोहन सब्जेक्ट हैड बीन रूल वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंस मंडे कैन बी ट्रांसफरेबल. आप इसको स्टार्टिंग में यूज कर लें और मे बी एंडिंग में, दैट डिपेंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल और द एफर्मेटिव सेंटेंस. लेट्स सी द नेगेटिव पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेगेटिव रूल सेज दैट हम लोगों को हैड नॉट बीन यूज करना है. पहले हम लोग यूज कर रहे थे had been, but this time we are going to use had not been with I, we, you, they, he, she and it. Had not been. Form of the verb will remain the same. Verb first form plus ing. Now with the help of example we will understand ki negative ya ki nahi wale sentence kaise translate karte hain. So the Hindi is मोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था. नहीं जा रहा था वो सोमवार से स्कूल. सो नेगेटिव ट्रांसलेट, नेगेटिव हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं. मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. सो आई हैव यूज्ड हैड नॉट बीन. हैड नॉट बीन. मोहन हैड नॉट बीन गोइंग. Going means my verb first form. To school since Monday. Since Monday, I have already said you can use in the beginning also, you can use in the ending also. Sentence ke agar main usko starting mein lagaun to banega since Monday, Mohan had not been going to school. Ye sentence unchanged rahega. Only since Monday aage transfer ho jayega. It will not be wrong. Chahe aap isko piche lagao, chahe aap isko aage lagao. नाउ नेगेटिव में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ जो बहुत आपको ध्यान रखनी है. एंड दैट इज कि हैड नॉट बीन ऐसे ही रहेगा. नॉट इनकी स्टार्टिंग में, मिड में ही आएगा. सॉरी, नॉट इनके मिड में आएगा. हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है. मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे मेक मिस्टेक. या तो वो नॉट को लास्ट भी कर देते हैं या कुछ ना कुछ और कर देते हैं. सो मेक श्योर कि आप नॉट को बिटवीन, दैट मीन्स सेंटर में लगाओ. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट Mohan had not been according to the rule, then verb first form. There are three major things you need to remember. Uske baad aapko object and timing can be shifted. It could be in the starting or maybe in the ending. So this is all about the negative. Let's move to the interrogative part. In interrogative, you have to follow the rule once again. Rule says, first of all, there will be use of had, then subject, then been, then verb first form plus ing plus object. Interrogative mein question hai, kya Mohan somvar se school ja raha tha? So it's a kya. Kya means question. Kya wo somvar se school ja raha tha? So jab bhi question aaye, so what you have to do in past perfect continuous, had ko first position de deni hai. Had ko sentence ki starting mein lik dena hai. Jaise had ko apne starting mein likha, uske immediately baad aapko likhna hai subject. Then been, then verb first form plus ing, then object. One thing you have to remember ki in interrogative aapko jo subject hai, that means jo Mohan hai, wo had aur been ke beech mein likhna hai, in the mid. I'm repeating, subject ko had and been ke mid mein likhna hai. Then verb first form plus ing, that is essential. Not only verb first form plus ing is important. Then object. So hamara sentence ban jata hai, had Mohan been going to school since Monday. Since Monday is time. I'm repeating, aap isko aage bhi laga sakte hai, you can use at the last also. Okay, so had Mohan been going to school since Monday, this is a complete sentence. And main ek aur cheez yahan pe aapko batana chahti hu that I've already explained how you can write the interrogative sentence out of the negative sentence
ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में टेंसेस की ही वीडियोस में बता चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. यू कैन चेक आउट कि कैसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में से निकाल सकते हैं. बट इन दिस टेंस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने सारी टेंसेज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एंड अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हैं सो यू माइट बी नोइंग इट. अगर नहीं है सो गो एंड चेक इट आउट. So the sentence is complete here. Had Mohan been going to school since Monday? This is all about the interrogative, that means question mark, जब आपको सवाल पूछना है. Moving to the last part, that is interrogative plus negative. In interrogative plus negative, the rules are had plus subject plus not plus been plus verb first form plus ing plus object. Had हम ऑलरेडी लगा चुके थे इंटरोगेटिव में, सब्जेक्ट भी लगा चुके थे, बट नॉट नहीं लगाया था क्योंकि दिस इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन भी हो और ना भी हो. सो इन इंटरोगेटिव हमारे पास नॉट नहीं था, डायरेक्टली हम यूज कर रहे थे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बट इन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वी हैव टू यूज नॉट ऑल्सो. अब नॉट कहाँ लगेगा, लेट्स सी. द एग्जाम्पल इज क्या मोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था. अब इसमें यू कैन सी हमारे पास क्या भी है, हमारे पास नहीं भी है. क्या मोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था. सो द ट्रांसलेशन विल बी हैड मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. अकॉर्डिंग टू द रूल हैड स्टार्टिंग में, मोहन इज द सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉट रूल्स के अकॉर्डिंग, बीन रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing रूल के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट. द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इज हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा इमीडिएटली बाद. हमेशा से हमारे हैड के बाद सब्जेक्ट ही आ रहा है. जैसे ही हमने इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात की या फिर जस्ट इंटरोगेटिव की बात की, उसके बाद पहले था हैड मोहन बीन, बट दिस टाइम नॉट भी बीच में ही आएगा. इंटरोगेटिव में आई एम रिपीटिंग, interrogative mein it was just had Mohan been, but when we are talking about interrogative plus negative had Mohan not been, aapko Mohan aur been ke beech mein not lagana hai. Rest of the sentence is same, jaise verb first form plus ing plus object. This is the timing since Monday again aage bhi lag sakta hai piche bhi lag sakta hai. So the complete sentence is had Mohan not been going to school since Monday. So this is all about the interrogative plus negative. Now, अब हम बात करते हैं. अभी तो मैंने सारे sentences में I have used since. But what for अगर मैं इनके साथ for use करना चाहती हूँ, क्योंकि for के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, but मैं आपको थोड़ी सी detailing ज़रूर दूंगी. For जो है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता क्या मोहन सोमवार की जगह मैंने लिखा होता दो दिन से, क्या मैंने अगर मैंने सोमवार की जगह दो दिन लिखा होता तो sentence will be क्या मोहन दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा था. सो इंग्लिश विल बी हैड मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल. यहां तक सेंटेंस सेम रहेगा, जस्ट सिंस मंडे की जगह आ जाएगा फॉर टू डेज. सो फॉर टू डेज भी आगे भी आ सकता है. फॉर टू डेज हैड मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क. सो इन द सेम वे आप फॉर भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं. एंड स्टिल अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो सिंस एंड फॉर के ऊपर आ चुकी है. इसके साथ ही आप देख सकते हैं उसको, दैट कैन मेक यू वेरी मच क्लियर कि सिंस कहाँ पे लगना है और फॉर कहाँ पे लगना है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया, क्योंकि आगे जो वीडियोज हैं और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और भी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं. एंड अगर आप इंग्लिश में वीक हैं फिर तो इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर यू. सो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें एंड अपने सारे फ्रेंड्स को, सारी फैमिली मेम्बर्स को, जिस जिसको आप चाहते हैं शेयर करना, जस्ट शेयर इट एंड इसको लाइक ज़रूर करते रहें. थैंक यू सो मच.